मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मेजोजू जो चाइना से अपने देश आ रहे थे मालदीव्स, वहां पे उन्हें 13 जनवरी को अपने टाइम का सबसे बड़ा सेटबैक मिला है। बिकॉज जहां पे वो गवर्नर थे इससे पहले माले जो कि कैपिटल है मालदीव्स का, वहां पे वो हार जाते हैं और जीतती है अपोजिशन की पार्टी। अब अपोजिशन की पार्टी मोहम्मद सोले की है जो कि प्रो इंडिया है। अब यहाँ पे राइज ऑफ इंडिया मालदीव्स में अगेन देखने के लिए मिल रहा है, जब से इंडिया एंड मालदीव्स का एक डिप्लोमेटिक टसल शुरू हुआ। और ये सारा चीज कैसे शुरू हुआ था आप सबको बहुत बेटर वे में पता होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा हटके बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान एक नेक्सस का काम कर रहा है जो कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को बढ़ा रहा है मालदीव्स में अपने मीडिया प्रोपेगेंडा के थ्रू, और चाइना अपनी इस्लामी स्लाइसिंग का कैसे यूज कर रहा है मालदीव्स के अंदर, साथ में अपनी इकोनॉमिक हेजमनी का, जिसके वजह से मालदीव्स आज आपको एक बड़े प्रॉब्लम में दिख रहा है। तो यहां पर सारी चीजें स्टार्ट तब होती है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, और वहां से जाने के बाद ना जब वो आते हैं तो उन्होंने लक्षद्वीप की ब्यूटी दिखाई और दिखाया कि कैसे एक अल्टरनेटिव प्लेस मिल सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड को, जहां पर वर्ल्ड एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस की तरह जा सकती है। और इससे ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला था। लेकिन यहां पे मालदीव्स के कुछ जो लोग हैं वो सामने आते हैं और बोलते हैं ये काउंटर कर रहा है मालदीव्स के टूरिज्म को, बिकॉज लक्षद्वीप हमसे काफी नजदीक है और वहां पे चीपर प्राइस में होगा। तो इसके लिए उन्होंने जो डेरिवेटिव रिमार्क किए वो सारी चीजें आपको पता है, यहां पे मैं उन चीजों का डिटेल नहीं दूंगा। लेकिन हमें यहां पे समझना होगा कि आफ्टर दैट हुआ क्या है। देखिए उसके बाद ना उन्होंने एक न्यूज हवा में फैलाया अपने चाइना जाने के दौरे से पहले कि मैं इंडिया आ सकता था, लेकिन यहां पे इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैं इंडिया नहीं गया और मैं चाइना की तरफ जा रहा हूं। तो ये बात पहले तो झूठ है और इस बात को जानबूझ के मालदीवियन प्रेसिडेंट के थ्रू लाया गया है। उसके बाद वो चाइना जाते हैं और चाइना में जाने के बाद आप सबको पता उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप सब मेरे यहां आइए और मेरे टूरिज्म को बढ़ाइए, बिकॉज इंडिया अभी टॉप प्लेस पे है। इंडिया के लोग 11.72% लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम में रखते हैं मालदीव्स में टूरिज्म के लिए जाने के लिए। अब जब टूरिज्म की बात करते हैं ना तो थोड़ा बहुत डेटा देख लेते हैं। देखिए मालदीव्स की टोटल जो फॉरेन ट्रेड इनकम है वो 64% सिर्फ टूरिज्म से आती है और 28% उनका जो जीडीपी है वो टूरिज्म के थ्रू ही होता है। तो मालदीव्स में आपको इकोनॉमी जनरेट करने वाला सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है टूरिज्म, और सबसे ज्यादा जो इंडियंस वहां जा रहे थे आफ्टर कोविड वो सबसे बड़ा इंपैक्टफुल उनके यहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उससे खुद मालदीव्स के वो लीडर्स और मालदीव के प्रेसिडेंट ने खराब कर दिया, बिकॉज यहां पे जो आपको दो लेडी लीडर्स दिख रही है ना वो एक्चुअली मोहम्मद मेजोजू के स्पेशल स्पोक्स पर्सन बोले जाते हैं, और ये बोला जाता है कि जब भी वो बोलते हैं तो उनके बिहाफ से ही बोलते हैं। तो यहां पे ये सारी चीजें आप देख रहे हो ना, तो उसके साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि मालदीव्स की पॉपुलेशन कितनी है, वो है 5.21 लाख। अब ये 5.21 लाख की पॉपुलेशन वाली कंट्री कैसे इंडिया को डायरेक्टली बोल रही है कि तुम हमें बुली नहीं कर सकते, जबकि बुली तो वो कर रहे हैं और जबकि हमने ऐसा कुछ रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में दिया भी नहीं था। और उन्होंने बुली करना इसलिए बोला है बिकॉज इंडिया ने जो अभी बोला है आप माफी मांगने के साथ उन मिनिस्टर्स को पार्टी से भी निकाल दो। तो यहां पे ये सारी चीजें आप देखते हो ना, तो अब आओ थोड़ा पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस देखते हैं। देखिए सबसे पहले पाकिस्तान का आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान इस्लामिक जिहादिस्ट का सबसे बड़ा सपोर्टर है पूरे के पूरे एशिया रीजन में। जो आप देखते हो इवन जो अफगानिस्तान में रेडिकलाइजेशन हो रहा है वो भी पाकिस्तान के थ्रू किया जाता है, और इसी का पाकिस्तान ने फायदा उठाया, अपने मीडिया प्रोपोगेंडा को बढ़ाया और ज्यादा से ज्यादा वो न्यूज लेटर्स वो वीडियो सारे के सारे भेजने शुरू किए मालदीव्स में। और ये काम आज से नहीं हो रहा है, ये काम लगभग 50 सालों से हो रहा है और अल्टीमेटली उन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया, जिसके वजह से आपको दिखता है इंडिया ऑट कैंपेन। और ये इंडिया ऑट कैंपेन इतना स्ट्रांग हो गया कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे पहले उनको हटना पड़ा और अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें मोहम्मद मेजोजू जीत के आते हैं। अब इंडिया ऑट कैंपेन के थ्रू आप आए हैं तो आपको सोचना होगा कि आप हमेशा इंडिया के अगेंस्ट ही बोलो, इनका पहला नैरेटिव तो यही है, तो यहां पे ये बंदा पहले फंस जाता है। दूसरा यहां पे आपको चाइना का एंगल दिखेगा, उनकी सलामी स्लाइसिंग। देखिए सलामी स्लाइसिंग में चाइना करता क्या है ना, सबसे पहले न्यूज बढ़ाएगा, उसके बाद एक प्रोपोगेंडा लाता है जो कि झूठ होता है किसी भी कंट्री के लिए, और स्पेशली हेट पॉलिटिक्स। तो यहां पे वो इन तीनों चीजों का यूज करके हेट पॉलिटिक्स, मीडिया एंड अपने डिप्लोमेट्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा था कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब हो। अब स्पेशली कोई लीडर इंडिया आउट कैंपेन के थ्रू वहां पे प्रेसिडेंट बनता है तो ये तो हो जाती है पक्का कि वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट काम करेगा, और यही चाइना के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और यही कारण था कि मोहम्मद मेजोजू ने आज तक के ट्रेडिशनल जो रहा है मालदीव्स के प्रेसिडेंट का, सबसे पहले वो प्रेसिडेंट बनने के बाद जब वो फॉरेन दौरे पे जाते हैं तो सबसे पहले इंडिया आते थे, लेकिन इन्होंने ये ब्रेक किया है और ये गए हैं ट्रेडिशन को तोड़ करके चाइना। और चाइना से आने के बाद ना यहां पे चाइना आपको कंट्रोल करता हुआ दिख रहा होगा पूरे के पूरे सिचुएशन को, कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आते हैं उन्होंने बोला कि इंडिया को बुली नहीं करना चाहिए, हालांकि उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया लेकिन उनका कहने का मतलब पूरा का पूरा यही था, और ये बात सबको पता है।
तो इन सारी चीजों के साथ चाइना का नैरेटिव कंप्लीट होता है। चाइना तो यहां पे बड़ा ही खुश होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज इंडिया एंड मालदीव्स का पीपल टू पीपल रिलेशनशिप एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि ज्योग्राफिकली आपको मैप में दिख रहा होगा सबसे नजदीक है माले के, और मालदीव्स के सबसे नजदीक होने के कारण वहां पे जो भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले इंडिया वो कंट्री होती है जो उनके पास जाती है, उनको सही करती है। इसमें आपको 1980s से मैं बताता हूं, बिकॉज हमारे पहले से तो रिलेशनशिप थे, लेकिन 1980s में आने के बाद हमने मालदीव्स के साथ स्पेशल फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। उस ट्रीटी के साइन होने के बाद जब उनके यहां पे सबसे पहला कूप हुआ 1988 में, तब इंडिया ने सपोर्ट किया ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू और उस कूप को बचाया जिसमें मिलिट्री टेक ओवर करना चाहती थी। और आज आपको एक डेमोक्रेटिक पार्टी दिख रही है मालदीव्स के अंदर, और यही कारण है कि मोहम्मद मेजीजी अभी एज ए लीडर वहां पे है, नहीं तो कोई मिलिट्री लीडर वहां पे रूल कर रहा होता। इसके बाद जब हम 2004 का सुनामी देखते हैं तो आप सबको पता होगा किस तरह का हैवॉक क्रिएट किया था, और एक एज ए आइसलैंड लैंड होने के कारण मालदीव्स के ऊपर वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती इसी की। और सुनामी के टाइम ने इंडिया ने सबसे बड़ा सपोर्ट भेजा था, फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे थे हम मालदीव्स के। उसके साथ कोविड-19 के टाइम में आप सबको बता दें नियरली 72 कंट्रीज को हमने वैक्सीन भेजे, मेडिसिन भेजे, और हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम किया मालदीव्स के अंदर वैक्सीन के साथ। वहां पे जो भी मेडिसिन चाहिए थे उसके साथ जो भी प्रिकॉशनरी इक्विपमेंट चाहिए था मेडिकल के लिए हमने वो सारा भेजा मालदीव्स को। तो इन सारी चीजों के साथ इंडिया का आपको एबिलिटी दिख रहा है, लेकिन हम यहीं तक नहीं है। इंडिया मालदीव्स का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी देता है टूरिज्म के थ्रू 11.72%, और उसके साथ हम मालदीव्स को डिफेंस में काफी सपोर्ट कर रहे थे। अब यहीं पे एंगल आता है कि डिफेंस को लेकर के ना हमारे हेलीकॉप्टर्स थे और उनको ऑपरेट करने के लिए कुछ सोल्जर्स वहां पे, जिससे हम एक्चुअली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बनते हैं ओशियन का सागर के थ्रू। आप सबको पता है सागर का इनिशिएटिव स्पेशली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया को प्रमोट करने के लिए बना गया है, ताकि छोटे कंट्रीज को हम पायरेट से और उनके ऊपर जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो सकती है उन्हें सेफ रख सके। लेकिन यहां पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने ना स्टार्टिंग में जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने उनका पहला शब्द था कि इंडिया आउट कैंपेन के थ्रू मुझे तो सबसे पहले इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनको से निकालना, और उसको ये बात अभी तक 7 times रिट्रीट कर चुके हैं कि इंडिया के सोल्जर्स को हटाओ यहां से। और अल्टीमेटली इंडिया ने फैसला लिया कि मार्च 15 तक हम अपने सारे सोल्जर्स को इंडिया ले आएंगे, और हम मिनिकॉय आइलैंड को इसके लिए अल्टरनेटिव डेवलप कर रहे हैं। बिकॉज आप सबको पता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो कि चाइना का एक थ्योरी है इंडिया को इनसर्कल करने के लिए, और हमें एक स्ट्रॉन्ग नेबल बेस हमेशा चाहिए उन सारे इनसर्कलमेंट पॉइंट्स पे जहां पे भी चाइना मौजूद है, और इसलिए इंडिया ने मिनिकॉय आइलैंड को डेवलप करना शुरू कर दिया ताकि हम अपने सिक्योरिटी प्रॉक्सिमिटी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर पाए। इसके साथ जो हम देखते हैं इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन स्पेशली तो पीपल टू पीपल टाइज ना, जब आप 19 सेंचुरी से पहले जाते हो ना तब वहां पे ज्यादा यहां पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन नहीं था और इस्लाम वहां पे उतना नहीं बढ़ा था, तब वहां पे बुद्धिज्म चलता था। और यही कारण है कि बुद्धिज्म का रूट होने के कारण इंडिया और मालदीव्स का टाइज जो है ना बहुत डीप इन है, और पीपल टू पीपल रिलेशनशिप आपको आगे जाके भी दिखेगा, जिसके वजह से अभी जो आपने देखा है जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हारे हैं अपने ही स्ट्रॉन्ग होल्ड पे, वो फिर से जाकर के हो सकता है वहां के लोग आवाज उठाएं और इंडिया और मालदीव्स का रिलेशनशिप अच्छा होगा। और ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया, बिकॉज जब आप देखते हो वहां की टूरिज्म मिनिस्ट्री सामने आई है, आप इस मीडिया में देख सकते हो यहाँ पे न्यूज में कि कैसे उन्होंने बोला है, कंडेम किया है उनके ही मिनिस्टर्स के रिमार्क को और बोला है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, और उसके साथ उन्होंने बोला कि मालदीव्स हमेशा से इंडिया का एक बहुत ही बड़ा पार्टनर रहा है जिससे इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है। तो इस तरह से देखते हैं आगे क्या होता है, इससे रिलेटेड और भी कोई अगर न्यूज आता है तो मैं आप तक जरूर पहले ले आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग फॉर नॉलेज।